जवान ऐसा है। मैं नौजवानों को बुरा नहीं बोलता क्योंकि यही है कौम की आगे जिंदगी, मगर इनको गाइड करने वाले जो गाइड कर रहे हैं वो गाइड गलत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसा इनेकाद किया गया था फलस्तीन के लोगों के सपोर्ट में। मैं खुद भी इस जलसे में गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा पब्लिक आई थी, लेकिन जिस तरह से मिलाद जुलूस में पब्लिक नजर आती है उस तरह की पब्लिक नजर नहीं आई। और पता नहीं हमारे नौजवान कहाँ पर है, कौम के लीडरों को आकर नारे मारना पड़ रहा है क्योंकि कौम तो सो रही है। 24 अक्टूबर लग चुका है, रात के करीब 1 बजे ये रिपोर्ट आई है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने अभी तक 5,000 लोगों का कत्ल कर दिया है गाजा के अंदर। हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, फलस्तीन से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसराइल मुर्दाबाद, 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 इसराइल मुर्दाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नौजवान गाजा का रहने वाला है, ये गाजा से बचकर भाग चुका है। अभी इसका कहना है कि हमास ने कूप किया था, यानी कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया था गाजा के ऊपर, और जो लोग भी हमास के खिलाफ आवाज उठाते हैं या तो उनका एक्सीडेंट होता है या फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है या फिर उनके घर में से वो शख्स हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया के ऊपर हमास को क्रोकोडाइल की तरह बता रहे हैं, यानी कि मगरमच्छ के आंसू, झूठा दिखावा करता है रोने धोने का, और इंसानों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, गाजा के मुसलमानों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। खुद गाजा की हिफाजत नहीं कर सकते, मस्जिद अल-अक्सा को ये लोग क्या आजाद करेंगे, इस तरह की बात सोशल मीडिया के ऊपर लोग कर रहे हैं। अब देखिए जो नौजवान बोल रहा है वही बात हम बोल रहे थे, आपको यकीन नहीं हो रहा तो नौजवान की जुबानी सुनिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पढ़कर आप खुद चेक कर सकते हैं। اسمه انقلاب، انقلاب اسمه يا ابن الحرام احفظها منيح، خلي الكلمه ترن في دانك، انقلاب اسمه، بكفيك وقاحه اخزى واسكت، انت عايش معانا مش عايش من المريخ. انا لو حكيت هاي الكلمه واحد من الضفه من تعاون حماس كان مش فارقه عندي يمين بالمره، بس يحكيها واحد عايش في غزة وشايف الوضع دخيل الله يا تطهير يا زلمة، احترم حالك وانضب واسكت. طبيعي ولا شاب من غزة يطلع يحكي بالكلام هذا لأنه معروف حكى اليوم यहाँ पे ये नौजवान ये समझाना चाह रहा है कि गाजा में रहकर हमास के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोले तो आपका पार्ट टू वीडियो नहीं बनता, जैसा आप लोगों का बनता ना वैसा वीडियो नहीं बनता, बल्कि आप अगले दिन हॉस्पिटल में मिलते या फिर आपका एक्सीडेंट कर देते लोग, कई को बोले तो अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहते लोगों। عادي وبتيجي بتعملوا معاه لقاءات وطبعا حيقول حادث عشان ما ينحبسش ابوه، ينحبس اخوه، ينحبس اللي خلفه كمان. طبيعي ما يطلعش ولا شاب من غزه يحكي عن الشيخ هذا، بس كل اياتهم سبوه وكله من الخوف بيطلعش يحكي، واهلنا في الضفه بفكروا انه احنا عايشين ومرتاحين مع حركه حماس. नौजवान ने तो हमास की हकीकत आपको बता दी, हमास किसी का डिफेंड नहीं कर रहा वहाँ पर, किस तरह से हमारे फलस्तीन के मासूम भाई बहन मारे जा रहे हैं, किस तरह से माएँ बेवा हो रही है आप खुद देख सकते हैं। इसराइल के ऊपर बिना सोचे समझे इस तरह का हमला कर फलस्तीन के मुसलमानों को आज परेशान कर दिया। पहले तो फलस्तीन के मुसलमानों को बोले तो पार्ट टू बना दे रहे थे, सीधा हॉस्पिटल में पहुँचा दे रहे थे, अब इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो आप लोग क्या राय से मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।